उन्नाव कांड पर सपा का धरना। उन्नाव कांड की पीड़िता की मौत के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है, जहां एक ओर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी विधानसभा के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनपद शाहजहांपुर में सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्नाव रेप पीड़िता को जिस तरह जिंदा जलाया गया है, ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने मांग की कि रेप पीड़िता को जिंदा जलाने वाले आरोपियों को फांसी देनी चाहिए और समाजवादी पार्टी ने रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेतागण और कार्यकर्तागण पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्नाव पीड़िता को जो पहले उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद जलाया गया, इसकी कल मृत्यु हो गई है, उनके परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्नाव पीड़िता के जो दोषी हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के खिलाफ यहाँ बैठे हैं और योगी सरकार से इस्तीफे की हम लोग यहाँ पर बैठे मांग कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के नेता हमारे पदाधिकारी वहाँ पर बैठे हैं, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हैं और जब तक वो बैठे हैं जब तक हम लोग यहाँ पर संघर्ष पूरी तरह से जारी रहेगा। यहाँ राकेश यादव की 2 दिसंबर को पीएलडी ऑफिस में खुलेआम हत्या कर दी गई, अभी तक घटना का खुलासा पुलिस ने नहीं कर पाया। हम चाहते हैं कि दोषी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है असली मुल्जिम जेल जाए, बेगुनाह को ना सताया जाए, बेगुनाह कोई भी जेल ना जाए और जो सही घटना है उसका खुलासा किया जाए जल्द से जल्द और दोषी